3, 2, 1. भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने भारतीयों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 फिलहाल पृथ्वी के चक्कर काट रही है। इसरो के मुताबिक 25 जुलाई को 5वें मैनूवर के बाद ये पृथ्वी के आखिरी कक्षा में पहुँच गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 25 जुलाई को चंद्रयान 3 की 5वीं और आखिरी ऑर्बिट रेंजिंग प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने एक ट्वीट कर इससे जुड़ी अपडेट दी है। इसरो के ट्वीट के मुताबिक चंद्रयान 3 127,609 किलोमीटर बाई 236 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 127,609 किलोमीटर है। इसरो के मुताबिक ट्रांसलूनर इंजेक्शन में अगली फायरिंग 1 अगस्त को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच तय की गई है। धरती की कक्षा में 5वें मैनूवर को बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया। इसरो के मुताबिक 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी के कक्षा से निकलकर चांद की तरफ रवाना होने की उम्मीद है। इसके बाद चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी चंद्रयान 3 को 5 मैनूवर लगेंगे, यानी चांद के 5 बार चक्कर पूरे करने होंगे। इसके बाद 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री करेगा। चक्कर लगाता हुआ लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। मिशन का यही सबसे क्रिटिकल फेज है। इस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। बता दें कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। बता दें कि अगर इसरो को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, यानी मिशन सक्सेसफुल रहा, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला 4था देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे, लेकिन चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले ही कोशिश में चांद पर सफल लैंडिंग करने में सफल रहा था। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।